दोस्तों क्या आपके भी दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है कि जब माइक्रो यूएसबी हमारी अच्छी खासी काम कर रही थी, मार्केट में चल रही थी, तो उसके बावजूद भी टाइप सी केबल क्यों लाया गया है। तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे टाइप सी पे केबल हमारे क्यों लाई गई थी और साथ ही में टाइप सी केबल क्यों माइक्रो यूएसबी से बेटर है और इसी को क्यों लाया गया है और आने वाले टाइम में यही क्यों रहेगी अब और बहुत सारे मोबाइलों से माइक्रो यूएसबी क्यों हटाई गई है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको इसके फायदे बताएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करें पहले माइक्रो यूएसबी, तो आप देख सकते हैं दोस्तों माइक्रो यूएसबी के नीचे हमें क्लिप मिलते हैं, तो ये हमारी जो है ये एक साइड से ही लगती है, आप दूसरी साइड से नहीं लगा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर हम किसी भी मोबाइल में अगर उल्टी करके लगा देते हैं तो या तो ये हमारी केबल खराब होती है या फिर उसका जैक खराब होता है। वही अगर हम बात करें टाइप सी केबल की, तो टाइप सी केबल आप दोनों साइड से लगा सकते हो, दोनों साइड से सेम होती है और आप दोनों तरफ से लगा सकते हो, तो ये सबसे बड़ा इसका फायदा होता है सबसे पहला। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे फायदे की तरफ। अगर हम डाटा केबल से डाटा ट्रांसफर करते हैं या कंप्यूटर या लैपटॉप में हम डाटा ट्रांसफर करते हैं तो माइक्रो यूएसबी से बहुत ही स्लो डाटा ट्रांसफर होता है। वहीं अगर हम टाइप सी केबल लेंगे तो टाइप सी केबल से जल्दी ट्रांसफर हो जाता है, एकदम हाई स्पीड में ट्रांसफर आपको मिलेगा इस चीज देखने के लिए। बात करें अगर हम चार्जिंग की, तो उसमें भी हमारी टाइप सी केबल जो है वो नंबर वन पे आ जाती है। देखिए अगर आप माइक्रो यूएसबी से चार्ज करते हैं तो आपकी चार्जिंग स्लो होती है, लेकिन अगर आप टाइप सी से चार्ज करेंगे तो टाइप सी से बहुत जल्दी चार्ज होती है। इसमें 100 वाट की कैपेसिटी होती है, इसका मतलब ये है कि आप इससे स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप सारी चीजें चार्ज कर सकते हो। इसको लाने का मेन पर्पस यही है कि जो बाकी केबल है, मतलब एक अलग अलग चीजों के लिए केबल को हम यूज करते हैं, उसके लिए कि यूनिवर्सल केबल बन जाए, एक ही केबल से आप सारे काम कर सके। इसके बारे में और भी हम धीरे धीरे आपको आगे बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही में ये भी बताएंगे कि जैक चेंज करने से जरूरी नहीं है कि वो टाइप सी ही बन जाए, जैक चेंज करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इसकी वायर भी होती है। तो ये सारी वीडियो में हम बताएंगे आपको, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। माइक्रो यूएसबी हमारे सिर्फ और सिर्फ डाटा ट्रांसफर या चार्जिंग के काम ही आता है, लेकिन अगर आप हमारे टाइप सी केबल को लेंगे तो टाइप सी हमारा ऑडियो, वीडियो और 3.5 mm मतलब हेडफोन के जैक के भी काम आता है। आपने अभी बहुत सारे मोबाइल्स में देखा होगा कि हेडफोन के जैक हटा दिए गए हैं, क्योंकि 3.5 mm के जो जैक थे उनको हटा दिया और ये टाइप सी के जैक में ही आपको ऑडियो भी मिलेगी, वीडियो भी मिलेगी, मतलब इससे आप सारे काम कर सकते हैं। इसका लाने का मेन पर्पस यही है कि ये आपके सारे काम करे और जो बाकी केबल्स के, मतलब जैसे आपके हेडफोन के लिए अलग से आती है, तो वो सारी चीज हटके आपके एक ही जैक रहे। चलिए अभी हम मुद्दे की बात पे आते हैं और हम आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताते हैं। देखिए अगर आपके पास माइक्रो यूएसबी केबल है और अगर आप इसका हेड चेंज करके यूएसबी टाइप सी कर देते हैं, तो इसका मतलब दोस्तों ये नहीं है कि वो यूएसबी टाइप सी केबल बन जाएगी, क्योंकि दोस्तों आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, इसके हेड से मतलब नहीं होता है, इसकी वायर से मतलब होता है। जो हमारे पास इसकी वायर होती है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको मैं अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप टाइप सी केबल ले रहे हैं, कोई कहीं से भी परचेस कर रहे हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो इसकी वायर है वो कितनी पॉइंट की होनी चाहिए। चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आप टाइप सी केबल खरीद रहे हैं तो आपको वायर का ध्यान रखना है, वायर कितने पॉइंट की है, तो चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी वायर 2.0 की है तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना होगा कि ये सेम आपकी माइक्रो यूएसबी की तरह वर्क करेगा, क्योंकि माइक्रो यूएसबी में 2.0 ही होता है, तो ये आपके जो 2.0 की अगर वायर है तो वो बहुत स्लो काम करेगी। चलिए अगर मैं आपको बात करूं कि 3.0 की, तो दोस्तों 3.0 जो वायर जिसमें होगी वो 2.0 से तो ज्यादा वर्क करेगी, लेकिन आपको हाई स्पीड नहीं दे सकती है। ठीक है, अगर आपको हाई स्पीड लेना तो हाई स्पीड लेने के लिए आपको 3.1 की लेनी पड़ेगी, जो कि बहुत फास्ट चार्जिंग होती है, साथ ही में उसका ट्रांसफर स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है। अगर आप डाटा इधर से उधर करते हो तो बहुत हाई स्पीड में होगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप टाइप सी केबल ले रहे हो तो साथ में उसकी वायर भी 3.1 की होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं आपको इनमें डिफरेंट पता लगा होगा और टाइप सी के बारे में बहुत सारी चीजें पता लगी होगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।